गायत्री माता का अर्थ क्या है? गायत्री माता को सभी वेदों की जननी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र ही है। यदि आप इस मंत्र को समझ गए तो चारों वेदों के सार को भी समझ गए। गायत्री माता से ही वेदों का जन्म हुआ है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता भी कहते हैं। गायत्री किसकी बेटी है? संकल्प शक्ति चेतन सत्संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। गायत्री कौन सा भगवान है? गायत्री को अक्सर वेदों में सौर देवता सवित्र से जोड़ा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री सरस्वती का दूसरा नाम है और ब्रह्मा की पत्नी है। गायत्री माता किसका अवतार है? कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री का आवाह किया। तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या चार वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर गायत्री माता अवतरित हुई। इसके बाद माँ गायत्री को वेद माता कहा गया और गायत्री मंत्र को चार वेदों का सार बताया गया। रोज गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या होता है? यदि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो जीवन से सारे अभाव दूर होते हैं और जीवन में सफलता और सुख समृद्धि आती है। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।